किसी का था फिर वो कोई ले गया हो, जिसका था वो ले, ठीक है। पढ़ नहीं लेनी अभी सारी। क्या हाल कर लिए हैं आप लोगों ने? अल्लाह इस साल को आपके लिए बरकत का बायस बनाए। अल्लाह आपसे अपनी रजा वाले काम दे। अल्लाह है आपका ये साल ईमान की हालत में गुजरे। अल्लाह करे अल्लाह आपके साल में राजी हो जाए। अल्लाह करे आपको और मुझे करने के बाद वाली जिंदगी की तैयारी इस साल में नसीब हो, क्योंकि ये जो हाँ भाई एक्सक्यूज मी क्या हो गया यार, मछली मंडी में बैठे हो भाई, रास्ता दे दे थोड़ा सा। ये जो बारबी डॉल से पैना डॉल का सफर होता है ना, कर लेना तय, पहले पेपर पास करो। ओके भाई चलें बस करते हैं, आप ले जाएं आप ये टेस्ट ले लेंगे क्लास से बाद, अब बच्चे पर ठीक है। अब एक्सक्यूज मी, अरे तुम्हारी आवाज़ें फिर आ रही थी, ओ भाई वाली आवाज़ें तुम्हारी नहीं। हाँ यहाँ भी बैठना चाहोगे या क्लास से बाहर जाना चाहोगे? कैसे हैं आप लोग? सवाल ओपन करें फिर। कितने बच्चों ने कल वाला सवाल किया था? ये कल बच्चे का हैंड आउट भी मेरे पास रह गया आधा, तो नहीं सवाल तो सारा होना चाहिए था। चलें जल्दी करें, ओपन करें, देख लेते हैं किसने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और थोड़ी सी एडिशनल बातें करेंगे। वैसे जब मैं ये सवाल करीब था कि एंड हो रहा था सवाल, तो मुझे नज़र आ रहा था कि तकरीबन 25 मिनट मेरे पास हैं, मैं फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट शुरू कर दूंगा, लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला मैं नहीं कर सका शुरू। कुछ ऐसी अहम बातें थी जो हम करते चले गए और हमारा लेक्चर क्लोज हो गया। आज का टेस्ट लाजमी दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाना है, और 15 नंबर का ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का सवाल शायद इससे पहले आपने नहीं देखा, शायद इसके बाद भी आपको देखने के लिए ना मिले, तो एक अच्छा मौका है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह कल नाका तो लग ही जाएगा, तो कल इस टेस्ट की डिस्कशन में और आगे कॉस्ट के चैप्टर की डिस्कशन में, ये कॉस्ट का चैप्टर ही चल रहा है, ये कॉस्ट का चैप्टर चल रहा है, ठीक है, इस डिस्कशन में मैं आपको बैठने नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए कौन कौन ये इरादा करता है कि इंशाल्लाह आज टेस्ट लाजमी देगा? ओके नहीं जिन्होंने दे दिया वो भी हाथ खड़ा कर लें, और जो दे देंगे इंशाल्लाह वो भी हाथ खड़ा कर दें, और जो नहीं देने की नीयत किए बैठे हैं आप वो हाथ खड़ा करें। नहीं देंगे टेस्ट दो, नहीं देंगे टेस्ट और तीन, ठीक है, बेशक कल भी ना आइएगा फिर, ठीक है कल भी ना आइएगा, मैं नहीं आने दूंगा क्लास में, टीम स्टूडेंट्स जो टेस्ट ना दें वो क्लास में ही ना आए, ठीक है, और वे स्टूडेंट्स आ जाएं बाकी मैं देखता हूँ करना क्या है। साफ जुराबे पहन के आए जिन्होंने टेस्ट नहीं देने, मैं शूज उतार के उनको बेंच के ऊपर खड़ा करूंगा।
नई 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 जुराबे पहन के। ओके हम कॉस्ट अकाउंटिंग का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। मैंने आपको पहले दिन बताई एक क्लासिफिकेशन कि कॉस्ट प्रोडक्शन होती है या नॉन प्रोडक्शन। जब हम टॉपिक खोलेंगे थ्योरी के लिए उसमें एक क्लासिफिकेशन ये लिखी होगी। फिर मैंने आपसे कहा था कि प्रोडक्शन खर्चे के अंदर जो है वो तीन तरह के खर्चे एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, कॉस्ट आ रही होती है, मटीरियल लेबर ओवरहेड, एक क्लासिफिकेशन वो भी गिवन है। फिर आपको बताया कि हर खर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर की एग्जांपल दी, एक क्लासिफिकेशन ये भी मौजूद है थ्योरी के अंदर। ठीक है जी, बस फिक्स्ड वेरिएबल की बात अभी यहाँ पर हम नहीं कर रहे, वो फिक्स्ड वेरिएबल वाली बात इंशाल्लाह आज शुरू नहीं हो सकी, कल शुरू होगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है वो फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट की, उसके ग्राफ्स बनाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट लेंगे, और फिर थोड़ी बहुत बात जो आई कैप ज्यादती करता है यहाँ पर टेस्ट करना वो भी डिस्कस होगी, शायद कल ही हो जाए, ना हुई तो परसों में हो जाएगी, जिसको हम अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन वगैरह का कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट प्योरली ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, यहाँ पर टेस्ट करना बनता नहीं है, बाहर कर देता है तो कोई नहीं, हम भी उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और सवाल की रिक्वायरमेंट थी, जरा पढ़िएगा, सवाल की रिक्वायरमेंट थी डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज वुड अपियर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2014। ये इनकम स्टेटमेंट है जो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने बनाने के बाद एंड पे इसको काट दिया था। ठीक है, तो आप पहले ही देख लें ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन पिक्चर पूरी क्लियर हो तो मैंने आपके सामने ये दोबारा से प्रेजेंट किया। ये इनकम स्टेटमेंट मुकम्मल और भी पीवी लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, फिर ये क्या था टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक पहुंचते हुए एड ओसीआई भी किया था, ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है पूरा फॉर्मेट। भला कब किया था, कब किया था, कैश फ्लो नहीं, उससे पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हुए रिवैल्यूएशन सरप्लस को जब रूट करना सिखाया था फॉर द ईयर को, तो मैंने ये पूरा फॉर्मेट आपके सामने बनाया था। ये फॉर्मेट प्रैक्टिकली आप जाके बनाएंगे एफआर टू के अंदर। तो एफआर टू के अंदर आप इन, अगर वो नोट्स कहेगा तो आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट चेंज इन इक्विटी बना के फिर कैश फ्लो तो वहां पे है नहीं, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग देंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीपीई का नोट बनाते हुए सिखाया था कि बैलेंस शीट के फेस के ऊपर तफसीलात बयान करने की इजाजत नहीं है IS-1 के अंदर। IS-1 कहता है लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर कंप्यूटर व्हीकल ये जितने भी हैं इनको फेस पे शो करने के लिए सिर्फ एक ही लफ्ज इस्तेमाल हो सकता है और वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की हेडिंग बनाओ और फिर उसकी तफसील आकर बनाओ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और वो नोट हमने बनाना सीखा था, उसके अंदर कितने डिस्क्लोजर एंड में दुमे भी लगाई थी। ठीक है, एक फिगर उसमें से उठ के एंड वाली बुक वैल्यू क्लोजिंग सबकी टोटल उठ के बैलेंस शीट में गई थी, दिखाया था। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही अगर वो कह रहा है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट बनाओ, तो ये आप प्रैक्टिकली एफआर टू में बनाएंगे, नोट ही कहेंगे उसको, और वो यही नोट होगा। अब होता क्या है, मैंने आपको ये बताया था कि IS-1 कहता है ये 7-8 लाइन आइटम्स के अलावा कोई लाइन आइटम लिखने की इजाजत नहीं है इनकम स्टेटमेंट के मुंह के ऊपर। वो कौन कौन से हैं, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी आ गया, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, अदर एक्सपेंस, यानी एक्सपेंस 5 के अलावा कोई छठी जगह पे नहीं जा सकता। या वो कॉस्ट ऑफ सेल होगा, या वो सेलिंग होगा, या वो एडमिन होगा, या वो फाइनेंस होगा, या इनमें नहीं है तो अदर एक्सपेंस। इस 5 के अलावा छठा कोई हेड नहीं है। टैक्स तो अलग हो गया ना, टैक्स तो उसी टैक्स वो तो है ही अलग। ठीक है, सही है, और इनकम के लिए बस दो ही जगह है, या सेल रेवेन्यू है या वो अदर इनकम है। अब आपने देखा कल कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए ओपनिंग प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेस क्लोजिंग आपने किया, और आपने देखा कि इस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालने के लिए आपने ये लंबा एक नोट बनाया जिसको आपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कहा। तो ये सारी तफसीलात क्या इनकम स्टेटमेंट के मुंह पे लिखी जा सकती हैं? नहीं। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर हम यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखकर कहेंगे जी नोट, मिसाल के तौर पे सेल है तो नोट 1 होगा, इसको नोट नंबर 2 कहेंगे। ठीक है, और यहां पर फिगर जो आएगी
उसकी तफसील नोट्स में होगी। तो इनकम स्टेटमेंट चलेगी, फिर बैलेंस शीट चलेगी, चैनल इक्विटी चलेगी, कैश फ्लो आपकी होनी नहीं है, बहरहाल असल में कैश फ्लो चलेगी। उसके बाद पांचवां कंपोनेंट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सेट का, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जब मैं पीपीई का नोट बनाता था तो आपको याद होगा ऐसे ही लिखते थे, सोया फ्राई लिमिटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, और नीचे लिखते थे 7, 8, 9 कोई भी नंबर लिख के, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बिल्कुल वही काम हो रहा है, हेडिंग बनाई सोया फ्राई नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड और नोट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, नोट का नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैंने पहली क्लास में बच्चों से पूछा था ये बात बताने के बाद कि नोट कॉस्ट ऑफ सेल का चाहिए ना, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पे पहुंच के अगर आप ओपनिंग फिनिश गुड्स यहीं पर नीचे ऐड करें, इधर देखें ओपनिंग फिनिश गुड्स नीचे ऐड करें, क्लोजिंग फिनिश गुड्स लेस करें, तो क्या बन जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। और यही किया हुआ है ना, यहां से मैन्युफैक्चर्ड उठा के यहां लिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग को ऐड किया हुआ है, क्लोजिंग को लेस किया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल बना है ना। तो मैंने उनसे पूछा क्या करना पसंद करोगे, यहीं पे कंटिन्यू कर दे और इस नोट का नाम टू लिखकर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बजाय कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख देते हैं, ये भी मुमकिन है, ऐसा ही करेंगे आप एफ टू में जाके। तो बच्चों ने कहा नहीं जी अलग अलग जरा सही है, हमें अलग अलग शो कर दें, प्रेजेंट कर दें। मैंने कहा ठीक है अलग अलग कर लेते हैं और फायदा भी होगा, जरा उला डुला सवाल हो गया। ठीक है, बहरहाल एक ऑप्शन मौजूद है, जब मैं आपको कॉस्ट का चैप्टर ओपन करवाऊंगा उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट जो आएगा वो इसी तरह से उसने लिखा हुआ होगा एक ही फॉर्मेट के अंदर, कोई मसला नहीं है, आप भी बना सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जब एंड पे निकल आया है तो इसको अलग ले जाकर ऐसे पे एडजस्टमेंट कर लो, या यहीं पर नीचे क्लोजिंग को लेस करो ओपनिंग को एड कर दो, कॉस्ट ऑफ सेल कन्वर्ट हो जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में कन्वर्ट होती है वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट मतलब ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट होती है फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट से, एडजस्टमेंट का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, यहां पे भी लिख सकते थे पर हमने नहीं लिखा। अब क्या हो गया, ये नोट यहां पर आया, यहां से फिगर निकलेगी जो प्रेजेंट होगी यहां पर। अब हमें चाहिए ओपनिंग स्टॉक, हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, हमें चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वन बाय वन, तो ये पूरा मैप सामने होना चाहिए। मसला ये है मैं ये मैप ना बनवाता, मैं सवाल ही करवा रहा होता अगर मेरे पास ट्रायल वाले सवाल इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट के होते एफ ए आर वन। ठीक है, लेकिन चले अब पिक्चर तो सारी सामने हो सकता है वो बनवा ले, तो हमें बनाना तो आता ही है वैसे। ठीक है, तो पता तो हो कि सारी चीजें कहाँ कहाँ पे जा रही हैं। बहरहाल मैंने आपको बताया था या वो ये रिक्वायरमेंट भी ले सकता है सिर्फ, या वो कह दे मुझे ये फिगर बता दो। कल हमने ये भी देखा था कि ये क्लोजिंग निकालने के जितने भी मेथड्स हैं वो हमने यूज करके देखे, तो ये क्लोजिंग स्टॉक निकलवा ले, कॉस्ट ऑफ सेल निकलवा ले, इवन जीपी निकलवा ले, डाटा देता जाए, रिक्वायरमेंट बदल सकता है, हम उसके हिसाब से ही जवाब देंगे। तो लिखा तो मैंने इनकम स्टेटमेंट को भी, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है सवाल की, अब दोबारा पढ़ो, डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ही कहते हैं। ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेट एज वुड अपीयर इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट ऑफ ये सोया फ्राई। ठीक है, फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2000। ठीक है, तो हमने फिर ये काम शुरू किया। तो ये सारा मैप सामने है, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल लिखनी है, ये अलग ना भी करते तो यहीं पर हम नीचे लिख सकते थे प्लस माइनस फिनिश गुड्स को, कॉस्ट ऑफ सेल बन जाती। ठीक है, क्लियर है ये बात, करें शुरू सवाल। ठीक, अगली बात जो मैंने आपको कही थी वो ये कही थी कि आपने पेपर में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आ गया तो शुरू करना कैसे है, आपने हेडिंग देनी है पहली डायरेक्ट मटेरियल, उसके नीचे 6 लाइनें खाली छोड़ देनी। आपको पता है 4 लाइंस में मैक्सिमम ये आता है अगर हम इतना प्रेजेंट करें, ना करें ब्रैकेट में कर सकते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कैलकुलेट, लेकिन चलें एक चीज जरा याद रहती है ऐसे। ठीक है, 6 लाइनें खाली छोड़ दें डायरेक्ट मटेरियल के लिए, फिर अगली हेडिंग दे डायरेक्ट लेबर, उसके नीचे भी 1 लाइन एहतियातन छोड़ दें, हालांकि एक ही लाइन में काम हो जाता है पर 200। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग दे और 10 लाइनें खाली छोड़ दें, हालांकि 6-7 लाइन में काम हो जाता है हमेशा। ठीक है, और हेडिंग आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, इसके नीचे 3 लाइनें खाली होनी चाहिए अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक आना चाहते हैं, और 5 होनी चाहिए अगर आप, 6 होनी चाहिए अगर आप कॉस्ट ऑफ सेल्स तक जाना चाहते हैं। ठीक है, तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट में
प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, बड़ी तफसील से बात होगी कल, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब ये मैं दोबारा लिख दूंगा, ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल भी कौन सा कौन कौन सा हो सकता है, ये बात हम कर लेते हैं, दोबारा से जरा कर लेंगे तो मैं दोबारा लिख लूंगा। अब सवाल शुरू करते हैं, ठीक है, करें शुरू सवाल। ओके, सोया फ्राई लिमिटेड, रिक्वायरमेंट पढ़ के एड्रेस करना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़ा करें सवाल की, तभी आप सवाल को पढ़ेंगे उस तरह से कि हमने इसमें से क्या चीज तलाश करनी है, ठीक है। सी टू के कितने बच्चे आए हुए हैं, खैर से आज सी वन में फिर एक। ओके, ओके, शुरू करते हैं सवाल। डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग दी और छह लाइंस खाली छोड़ दिए, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे ही एहतियातन, ठीक है। फिर टोटल आ जाएगा इसका सातवीं लाइन उसके लिए, फिर डायरेक्ट लेबर की हेडिंग, आपने सवाल किया वैसे तो घर पे, डायरेक्ट लेबर की हेडिंग और उसके आगे उसके लिए दो लाइंस, एक लाइन में लिखा एक लाइन वैसे एहतियातन छोड़ दोगे, ठीक है। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग 10 लाइंस खाली छोड़कर, फिर आपने टोटल वाली फिगर लिख देनी है, अलग लिख देना टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग एड क्लोजिंग लेस वर्क इन प्रोसेस, ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। अब सवाल शुरू करते हैं। सोया फ्राई लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कुकिंग ऑयल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद रिस्पेक्ट टू परचेजेस एंड पर है मटेरियल परचेज, हमें परचेज की फिगर चाहिए होती है या कंज्यूम, कंज्यूम्ड की फिगर कैसे निकला करती है जी, बोले ओपनिंग स्टॉक किसका, रॉ मटेरियल का, प्लस करेंगे इसमें परचेजेस किसकी, रॉ मटेरियल की, और लेस करेंगे इसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हम पहुंच जाएंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पे, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड की फिगर ऐसे निकलेगी। अब मैंने कल आपको यहां पर बताया था, ब्रैकेट में उसने लिखा हुआ है रॉ मटेरियल जो 60,500 का परचेज किया है इसमें इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 17% सेल्स टैक्स विच इज रिफंडेबल। तो मैंने आपसे कहा था कि रिफंडेबल को हमने स्टॉक में एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करना होता, तो यहां पे सिर्फ इग्नोर करने से गुजारा नहीं चलना, मसला क्या था, इंक्लूडेड था, तो जब इंक्लूडेड था तो हमने इसको निकालना होगा बाहर, ठीक है। तो एक तरीका तो ये था कि इसमें से 17% अलग करें फिर टोटल में से माइनस करें, एक ये था जो मैंने आपको लिखवा दिया था कि ये सेल टैक्स इंक्लूडेड, मतलब ये 117 पे पड़ा है, इसी को 100 पे ले आओ, ये थोड़ा ही है कि ये 17 पे है तो डिवाइड बाय 17 इंटू 17 करके पहले टैक्स निकालें फिर 60,500 में से टैक्स को माइनस करें, इतना लेंथी काम क्यों करें, आसान सी बात है, ये 117 पे पड़ा है, हमें ये 17 नहीं चाहिए इसके अंदर, तो हम इसको किस पे वापस लाना चाहेंगे, 100 पे, सेल्स टैक्स है ना, तो 100 + 17 हुआ पड़ा होता है, ठीक है। तो सेल्स टैक्स अगर लिखा हो इंक्लूडेड तो मतलब यही होता है 100 + 17, ठीक है। तो 60,500 117 पे है, हमें ये चाहिए 100 पे, ठीक है। तो उसके लिए यहीं पे ब्रैकेट में हम ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 60,500 ये किस पे पड़ा है, 117 पे, तो गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज ये कितनी है जी, 17, ये 117 पे है, हमें ये किस पे चाहिए, 100 पे, तो इनटू 100 51709, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक की थोड़ी सी था जे जगह बना लेते हैं, ध्यान बैठे हैं, जे ही कहते हैं ना,
के ग्लव्स याद हो गए मुझे इस सेशन में. ओके जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल समझ आती है ये बात. ओके नेक्स्ट, पैकिंग मटेरियल परचेज. पहली बात तो डिस्कस कर लें दोबारा से जरा जल्दी से. पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, मटेरियल बेसिकली डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, यूं कहना चाहिए था. ठीक है, तो रॉ हो चाहे पैकिंग हो, मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी. तो फिर पैकिंग की एग्जांपल ली हमने, कल थोड़ी सी बात की थी, नेस्ले वाले जो जूस बना रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल तो ये लिक्विड है, ये जूस है, इसका फ्लेवर है और चीनी है और पता नहीं क्या कुछ है. ठीक है, सिवाय आम के हर चीज़ है इसमें. तो रॉ मटेरियल नज़र आ रहा है, डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट भी हो सकता है. बहरहाल इस वक्त तो पैकिंग मटेरियल की बात कर रहे हैं, तो हम बड़ा क्लियरली बता सकते हैं कि एक जूस के डब्बे पे एक जूस का डब्बा लगता है. बता सकते हैं ना, एक जूस के डब्बे पे एक जूस का डब्बा लगा है. ये डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सक रहे हैं इन फुल टू अ कॉज यूनिट, कर सक रहे हैं बड़ी आसानी से. ठीक है, लेकिन ये जिस कार्टन में पैक है, जिस इस कार्टन को जिस लफाफे से लपेटा हुआ है, ये पिछली क्लास में लिखा था आपके लिए तोहफतन हदियतन. ठीक है, जिस लिफाफे के साथ इसको लपेटा, पॉलीथीन जो चढ़ी होती है उसके ऊपर, या जिस रस्सी से इसको बांधा हुआ है, हो सकता है हम क्लियरली ना बता सकें कि एक जूस के डब्बे के ऊपर कितना ये डिब्बा लगा है या ये लिफाफा लगा है, या शायद हम बताना पसंद ना कर रहे हो कि यार ये क्या आप छोटी छोटी बातों को अलग करें. ठीक है, तो कार्टन लिफाफा इनडायरेक्ट पैकिंग मटेरियल हो सकता है, और ये गत्ते का जो डब्बा है ये डायरेक्ट पैकिंग मटेरियल हो सकता है. तो अगेन मटेरियल डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी. अगर डायरेक्ट है तो अलग प्रेजेंट करते हैं, इनडायरेक्ट है तो है प्रोडक्ट की कॉस्ट का ही पार्ट, उसको ओवरहेड्स में, फैक्ट्री ओवरहेड्स में इसको शो कर देते हैं. ठीक है, अब मैंने आपसे कल ये कहा था दोनों तरह से आप अजम्पशन ले सकते हैं, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट अज्यूम कर लें चाहे इनडायरेक्ट, दोनों तरह का हो सकता है ना. तो जिसने इनडायरेक्ट अज्यूम किया उसकी बात बाद में करता हूँ, मैंने आपको कहा था डायरेक्ट अज्यूम कर लेना फ़ायदा हो जाएगा, एक छोटी सी कैलकुलेशन बच जाएगी. तो हमने पैकिंग मटेरियल को अज्यूम किया है डायरेक्ट, कई पैसे स्टार लगा के हमने लिख लिया साथ ही. ठीक है, तो पैकिंग मटेरियल हम इंटरेस्टेड होंगे परचेज की फिगर में, है ना, पैकिंग मटेरियल हम परचेज किसी फिगर में नहीं, हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल रहे हैं, जो चीजें बन गई उन पे कितना खर्च हो चुका, कितना मटेरियल लग चुका, कितनी लेबर पे हो चुकी, कितने ओवरहेड्स बिल शिल जमा करा दिए, पे कर दिए हम, कितनी बिजली खर्च हो चुकी है. ठीक है, कितनी लेबर खर्च हो चुकी है, कितना मटेरियल कंज्यूम हो चुका है, तो मटेरियल जौन सा भी है कंज्यूम, तो ये फिगर कंज्यूम्ड की बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैंने आपको कहा एक और चीज के साथ भी लिखा हुआ आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट आ सकता है, वो स्टोर्स स्पेयर्स लूज टूल्स. आज वाले टेस्ट में तो मैंने नहीं रखा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को, क्योंकि आपके बड़े वाले टेस्ट में इसका बड़ा सा सवाल है, अच्छा सा सवाल है आपके लिए तैयार है. ठीक है, वो सवाल आपको वेलकम करेगा वहां पे, क्योंकि बेटा कितने बच्चों ने जब मैंने कहा था कि सिलेबस जाके पढ़ लेना, जाके पढ़ा था आईकेएफ से सिलेबस डाउनलोड करके या देखा था, कोई एक बच्चा है वो एक दो. ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी ग्रेड आईकेएफ कहता है 25 से 35 है. मैंने इसको 30 कह दिया था. ठीक है, लेकिन ये 40 भी हो जाया करती है, 20 भी हो सकती है, 40 भी हो जाया करती है. आईकेएफ क्या कहता है, फिर थोड़ी बहुत वेरिएशन लिखा होता था, थोड़ी बहुत वेरिएशन जी हो सकती है, माफ़ी दे देना. अब इस ग्रिड में जिसको 25 से 35 का कह रहा है, इसमें तीन टॉपिक्स हैं, एक सिंगल एंट्री, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बड़ी मेन चीज है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये तीन चीजों में से ये 35 नंबर तक बना सकता है जो इसने लिखा हुआ, 40 भी बन सकते हैं. ठीक है, अब हो सकता है इनकम एक्सपेंडिचर सिंगल एंट्री दोनों इकट्ठे ना दे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि यहाँ से सवाल बनेगा ही बनेगा, ये तो पोर्शन मस्ट अपीयर है. तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया चल रहे हैं आपके, ये सारे ही मस्ट अपीयर वाले एरियाज चल रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इनको एग्जाम लेवल पे लेकर आते रहिएगा. ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्कशन मैं आपके बड़े टेस्ट के अंदर नहीं रखूंगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तक टेस्ट करूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की बात मैंने आपको कल सारी समझा दी थी. ठीक है,
जो आपका असेसमेंट का जो टेस्ट आ रहा है, तो ये मौका है अल्लाह ने आपको दिया, प्लीज इसको गनीमत जानिएगा, जो हुआ सो हुआ उसको भूल जाएं, अभी से तैयारी शुरू कर दें रिवर्स की तरफ। दो तीन टॉपिक नए नए जो हैं ये तो साथ ही बिल्कुल तैयार कर लें, फिर दो तीन दिन में उम्मीद है मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता दूंगा हर टॉपिक में से, हर टॉपिक आपका अच्छा तैयार हो, एग्जाम लेवल पे हो, करेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह। तो ये तीन ही हैं टोटल चीज़ें इस ग्रिड के अंदर, जो तीसरी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, दो चीज़ों को हमने बहुत अच्छी तरह किया हुआ है। अब अगर यहाँ वीकनेस दिखा गए और उसने इनमें से एक ही पूछा और दूसरा यहाँ से सवाल बना दिया, अब 15 को नंबर यहाँ से टेस्ट हो गए, तो बैठे हो गए मुंह उठा के, ओहो जी नहीं वो असल में थेरी थी, ये था वो, मैं तो थेरी पढ़ाऊंगा ही बाद, मैं तो थेरी ही पढ़ा रहा हूँ आपको लेकिन न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, सही है ना। तो बहुत एहतियात से चीज़ों को समझते रहिए ध्यान से, और साथ के साथ इसको एग्जाम लेवल पे लाते रहें, अब टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 10 के बाद भी मेरी कोशिश यही होगी कि जो टॉपिक पढ़ें उसको एग्जाम लेवल पे करके ही छोड़ेंगे, जैसे हम करते आए हैं, लेकिन जो भूला हुआ है उसको करने का मौका आपके पास है, ठीक है। तो यकम से 10 तक 10 दिन है, कोशिश करो हर दो दिन में एक टॉपिक रिवाइज होता जाए, तो 5 टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे, दो तीन तो रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं, ये करीब करीब वाले, ठीक है, सही है ना। चलो अच्छा जी, ये मैं कह रहा था आपको, पैकिंग मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ऐसे ही स्टोर स्पेयर्स कंज्यूम्ड की फिगर भी निकालनी पड़ सकती है। अब जैसे ये मैं कह रहा हूं ना, ब्रैकेट में कर लेना, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, तो आप ये बात कर सकते हैं कि हम ये भी कर सकते थे ब्रैकेट में, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन नॉर्मली इसमें ना कुछ ऐसी कैलकुलेशन आ जाती है, तो आदत यही रखी हुई है कि चले थोड़ा सा याद भी हो जाए, तो कोई ऐसे कंज्यूम निकाल ले ब्रैकेट में, नो इशू, कॉस्ट अकाउंटिंग है ना ये, तो IS1 तो ये है, तो ये करना। अब नोट्स में आ गए, और नोट्स में आपने बस ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर निकालनी है या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, तो यहाँ कंज्यूम्ड ब्रैकेट में ले लो, चाहे इस तरह से, लेकिन रखिएगा ऐसे ही, रॉ मटेरियल हमेशा ऐसे ही रखना है, और अगर कभी कोई और आ जाए पैकिंग मटेरियल स्टोर, तो उसको आपने फिर ब्रैकेट में ही कर लेना है, इतनी जगह नहीं होती, ठीक है, सही है। तो अगेन पैकिंग मटेरियल वॉज परचेज्ड फिगर, ठीक है, कितनी परचेज, 2050, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग ढूंढने नहीं जाएंगे, फॉर्मेट बनाया ही इसीलिए कि सवाल पढ़ते जाएं और जो डाटा हो सिर्फ वो लिखते जाएं, बाकी जब आएगा तो देखेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, सेटलमेंट डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन रॉ मटेरियल परचेज। जी आपको मैंने, आपके साथ मैंने डिस्कस की थी ये बात कि तो जो है ना सबकी, आपसे मैंने ये बात डिस्कस की थी कि सेटलमेंट डिस्काउंट का दूसरा नाम कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है लाजमी, बचपन से यही पढ़ के आए हैं कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। अब यहाँ वो बात थोड़ी सी उलट यूज हो रही होती है, अगर ट्रेड डिस्काउंट होता और ऊपर फिगर ग्रॉस से पड़ी होती तो हम उसको माइनस करते, क्योंकि उसकी एंट्री नहीं करनी, नेट करके शुरू करते कहानी, लेकिन कैश डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट की एंट्रीज कल आपको बोली थी, अगर रिसीव्ड है तो उसकी एंट्री करते हैं हम क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम, और अगर अलाउड है तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट डेटर, दोनों एंट्रीज में गौर करो तो परचेज या सेल की फिगर को उसने नहीं छेड़ा, अदर इनकम बना अगर रिसीव्ड हुआ यहां जाके नीचे, और अदर एक्सपेंस बना यानी सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस नॉर्मली बनता, सेलिंग एक्सपेंस बना अगर अलाउड था, ना सेल को छेड़ा उसने डिस्काउंट अलाउड में जाके, ना परचेज की फिगर को छेड़ा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम में, तो ठीक है ना। तो इसलिए सेटलमेंट डिस्काउंट की एंट्री कल हमने लिखी थी, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट 400 से ये एंट्री लिख कर, फिर हमने साथ लिखा था अपने हमारे सवाल में इसको इग्नोर, क्योंकि हमारा सवाल इससे आगे नहीं बढ़ रहा, जीपी से आगे क्या कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर उसने तो कही है, तो अगर सवाल पूरा कर रहे होते आप FAR2 के सवाल कर रहे होते, आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते मुकम्मल, तो फिर आप इस 400 की एंट्री करते जाके अदर इनकम के अंदर, बैलेंस शीट में क्रेडिट डेबिट अदर इनकम में 400 से इनकम, ठीक है ना। तो ये एंट्री करने की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए हमने इसे इग्नोर किया है, अपने सवाल में एंट्री होती है सेटलमेंट डिस्काउंट की अकाउंटिंग में, ठीक है, सही है। ये बात कितने बच्चों को समझ आ गई,
तो ये मिट्टी का माधु बन के क्यों बैठे रहते हो, कोई आगे से हूँ हाँ तो कर दिया करो, हूँ हाँ हाँ। अच्छा जी ओके, लास्ट क्या है जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू रॉ मटेरियल 70, पैकिंग मटेरियल 30। अब जब हमने रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल को इकट्ठे ही रख दिया है, रॉ मटेरियल भी यहीं पे है, पैकिंग मटेरियल भी यहीं पे है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इधर देखे मैं कहता हूँ जी रॉ मटेरियल प्लस पैकिंग मटेरियल, रॉ मटेरियल प्लस प्राइम मिनिस्टर, दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे, कितने 300, ठीक है 300। ओके, अब जिन बच्चों ने अजम्पशन इनडायरेक्ट की ली होती, तो कोई नहीं बिल्कुल सही है, उनको एक छोटा सा काम एडिशनल करना पड़ता, वो इस रॉ मटेरियल कंज्यूम को अगर यहाँ पर लेकर आते तो फिर 300 का 70% यहाँ पे शो करते, 300 का 30% इनडायरेक्ट में, क्योंकि मटेरियल हमने कहा था ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करना है। अब अगर आपने इनको अलग कर दिया है तो जो रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो रॉ मटेरियल में ऐड हो, ठीक है प्रेजेंटेशन तो सही हो ना, ठीक है, और जो पैकिंग मटेरियल की कॉस्ट हो वो पैकिंग मटेरियल में ऐड हो, ट्रांसपोर्टेशन की वो हमने रख की एक जगह लिए, तो एक छोटी सी वर्किंग से हम बच गए। बहरहाल दूसरा भी गलत बिल्कुल नहीं है, जिसने इनडायरेक्ट अज्यूम करना है फिर वो 300 के दो हिस्से करेगा, 70% यहाँ पे 30% इनडायरेक्ट, ठीक है सही है। ओके जी, नेक्स्ट था डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स। ओके, उसने कहा रेंट, ने कहा ये तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है, ठीक है ओवरहेड है, तो उसने भी यही कहा है डिटेल्स ऑफ ओवरहेड्स में, सबसे पहली चीज क्या है रेंट, सबसे पहली चीज क्या है रेंट। अब हमने ये रेंट से पूछना चाहा, हेड ऑफिस की बिल्डिंग का भी तो किराया हो सकता है, सेल के शोरूम की बिल्डिंग भी तो किराए पे हो सकती है, और फैक्ट्री की बिल्डिंग भी किराए पे हो सकती है, ठीक है, तो किराया तो किसी भी चीज का हो सकता है, तो हमने उससे पूछा प्रोडक्शन है या नॉन प्रोडक्शन, तो उन्होंने कहा जी पॉइंट नंबर वन जा सकते, तो हम पॉइंट वन में गए, तो उसने कहा ब्रेकअप ऑफ रेंट इज एज फॉलोज, तो यहाँ पे हम आ गए रेंट को लेकर, ठीक है जी। अब क्या कहता है वो, इस 2700 में से वो कहता है फैक्ट्री का रेंट कितना है 2000, फैक्ट्री का रेंट कितना है, फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का रेंट है तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कौन सी कॉस्ट है प्रोडक्शन। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वो क्या कहता है वेयर हाउस। अच्छा वेयर हाउस, मैंने आपसे कहा था सुने मेरी बात, वेयर हाउस क्या है गोदाम, वेयर हाउस क्या है गोदाम, वेयर हाउस में अगर हमने गोदाम में अगर हमने रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो वो प्रोडक्शन का खर्चा है, और अगर हमने उसको फिनिश गुड रखा, उसमें फिनिश गुड स्टोर की हुई है तो वो कौन सा खर्चा है, ठीक है। तो सवाल में अगर सिर्फ लिख दे वेयर हाउस, सिर्फ रेंट की बात नहीं है, सारे वेयर हाउस के इसी कॉन्सेप्ट में, सवाल में उसने कह दिया सिर्फ वेयर हाउस, तो कोई एक तरफ अजम्पशन आपसे लेना पड़ेगा। अब फिर सवाल आएगा कौन सा वेयर हाउस जी, अगर रॉ मटेरियल का है तो ये प्रोडक्शन का खर्चा है, ठीक है, और अगर फिनिश गुड का है तो सेलिंग का। नहीं, हमने रेंट किया हुआ वेयर हाउस खुद बना रखा है, डेप्रिसिएशन तो होगी, तो फिर सवाल आएगा वेयर हाउस की डेप्रिसिएशन, कौन सा वेयर हाउस है, रॉ मटेरियल का है तो प्रोडक्शन, और अगर फिनिश गुड्स का वेयर हाउस है उसकी डेप्रिसिएशन सेलिंग, ठीक है। तो इस सवाल में कहता है वेयर हाउस जो है वो 500 है, इधर देखें वेयर हाउस का रेंट कितना है 500 है, इसमें से 250 यानी 50%
रॉ मटेरियल है और 10% पैकिंग मटेरियल. मैंने कहा ये तो दोनों एक ही हो गए ना, ये तो दोनों एक ही हो गए, समझो 60% ही कह देना चाहिए था हमें, ठीक है. तो ये दोनों ही क्या है, प्रोडक्शन. जिस वेयर हाउस में रॉ मटेरियल या पैकिंग मटेरियल प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ना, जिस वेयर हाउस में रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल स्टोर किया हुआ है, उसका रेंट कहां चला जाएगा, प्रोडक्शन में. और लास्ट है जी, शेल्फ स्पेसिंग इन सुपरमार्केट. सॉरी ऊपर रह गया कुछ, 40% फॉर फिनिश्ड गुड्स. और इस 500 में से 40% कितना बनता है, 200. ये 200 कौन सा खर्चा है, सेलिंग का खर्चा, ठीक है. ये सेलिंग कॉस्ट है इसमें, इस वेयर हाउस में. तो हमने तो कराया है, अगर वेयर हाउस रिलेटेड है फिनिश गुड्स से तो सेलिंग, नहीं तो प्रोडक्शन, ठीक है. अच्छा, अब टोटल था 2700, 2000 फैक्ट्री और 500 वेयर हाउस का रेंट है, अलग अलग भी करके देख लिया. अब बाकी रह गया शेल्फ स्पेसिंग, 200 रुपए शेल्फ स्पेसिंग. तो कल आपको बताया था, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइज बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर आप जाके देखें तो आपको शेल्फ के ऊपर उनके नाम लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं. तो वो चीज बेचने के लिए उन्होंने वो शेल्फ जो है वो अपने नाम किए होते हैं. तो जो इतने बड़े बड़े स्टोर होते हैं वो मुफ्त में ऐसे नहीं अपने शेल्फ के ऊपर या अपनी दुकान में शेल्फ वो अपना भी ले आए तो रखने की इजाजत नहीं देते. वो कहते हैं जी किराया देंगे तो रखेंगे. वो कहे नहीं जी हमने नहीं किराया देना, आप प्रॉफिट कमा ही रहे हैं, हमसे खरीद के बेचेंगे. उसमें ठीक है फिर जाएं, दूसरे खड़े हैं वो उनका रख लेंगे हम यहाँ पे. उनको भी पता है, सेलर को भी पता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी कस्टमर बेस ने हिट करना है आके, तो मेरी चीज यहाँ पे सामने डिस्प्लेड होनी चाहिए, दूर से नजर आएगी ये कोलगेट का वो लगा हुआ है, ये जनाब हेड एंड शोल्डर का लगा हुआ है, ये जनाब सर्फ एक्सेल का सामने जो है वो शेल्फ लगा हुआ है. सब सामने होने चाहिए. जैसे ही आप जाते हैं ग्रोसरी करने, ये सारी चीजें आपके सामने दूर से ही आपको नजर आ रही होती हैं. आप एक एक चीज को जाकर नहीं देख रहे होते, आप यूं खड़े होकर नजर दौड़ाते हैं, आपको दूर से नजर आते हैं हाँ जी मेरी रिक्वायर्ड चीज तो वो पड़ी है, ठीक है. बात समझ रहे हैं ना. तो शेल्फ स्पेसिंग चीज को रख के बेचने का खर्चा है, या चीज को बनाने के लिए रॉ मटेरियल रखा हुआ है हमने, शेल्फ में तो चीज बेचने के लिए रखनी है ना, तो फिर शेल्फ स्पेसिंग का किराया भी क्या है, सेलिंग एक्सपेंस. तो 2700 में से ये 2000, ये 300, टोटल मिलाकर कितना बना 2300. ये फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है नहीं, ये क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड है. और बाकी का जितना भी है वो ये 200 है और ये 200, 400 बनता है. ये 400 क्या है, ये अगर इधर देखें, अगर ये बना रहे होते तो यहां पर हम सेलिंग में लिखते इसको, लेकिन हम फिलहाल इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, ठीक है. तो इधर देखा था हमने थोड़ी देर पहले सर, ये इधर देखा था, लेकिन वो अब गुजर की बात, ठीक है. ओके, अब वापस आ जाए, अब जागते रहना तो साढ़े दिन रहना, हम उधर से देख के वापस आ गए. ओके, दौड़ के ऐसे यूं घूम के आ भी गए, आपको पता ही नहीं चला. ओके, तेज हो गए हम. अच्छा जी, अब ये सारा काम आपने पर्चे में नहीं करना. पर्चे में आपने क्या करना है भाई, रेंट है तो डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो ओवरहेड है ना, यहाँ पे आपने लिखा रेंट, ठीक है जी. और यहाँ पे लिखा टोटल, उसने ब्रेकअप दिया हुआ था. अब वो काम नहीं करना, पर्चे में ऐसे लिखना है 2000 जमा 250 जमा 50 कितना बन गया 2300 और टिक कर लिया इसको, पॉइंट वन टिक हो गया. कहाँ बेटा, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट मटेरियल को रखने के लिए गोदाम का किराया है. तो डायरेक्ट मटेरियल बनाने के लिए जो फैक्ट्री चला रहे हो, फिर उसका बिल भी ऊपर डाल दो, फिर उस प्लांट की डेप्रिसिएशन भी ऊपर डाल दो, फिर ये नीचे वाला ऐड रखते ही नहीं है, सब कुछ ही उसी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए खर्च कर रहे हैं, फिर रहन देते हैं सब कुछ. बात समझे हो, ओके, बात समझ आई है सबको. अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, नहीं वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है ना. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा किसको कहा करते थे, जब एसेट मैनेजमेंट की इंटेंडेड कंडीशन लोकेशन में पहुंच जाए, फिक्स एसेट में भी कहते थे, इन्वेंट्री में भी यही था. एक बार इन्वेंट्री हम तक पहुंच गई, किराया तो जरूरी था हम तक पहुंचाने के लिए, फिर अब ये हमारे पास है, रेडी टू यूज है. अब इसको रखने का खर्चा उसको डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में, हम पर ये नहीं कि हम दो साल के लिए एक चीज स्टॉक कर लें तो दो साल का किराया वो स्टॉक की तो प्राइस पता नहीं कहां पहुंच जाएगी.
स्टॉक की प्राइस को रोक दें, परचेज प्राइस प्लस किराया हम तक पहुंच गया, ये परचेज प्राइस थी उसकी, ये कॉस्ट ऑफ स्टॉक था। अब उसको रखने के लिए को खर्चा कर रहे हैं तो है तो वो प्रोडक्शन का ही खर्चा, लेकिन वो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं बल्कि ओवरहेड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरीज एंड वेजेस, टोटल कितनी है 2500। अब सवाल आगे कुछ ना कहता तो हम कहते यार अच्छा नहीं लगता, इधर देखो यहां पे ये खाली रह जाए, तो अज्यूम कर लेते कि डायरेक्ट लेबर ही है सारी सैलरीज एंड वेजेस। ठीक है, लेकिन सवाल ने कहा डायर जाओ, आराम करो, अमन करो, पॉइंट टू पढ़ो। पॉइंट टू जाके पढ़ा, ब्रेकअप ऑफ सैलरीज एंड वेजेस अदर वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स इज एज फॉलोस। इसमें पहले क्या लिखता है, सैलरीज एंड वेजेस, अदर ओवरहेड को बाद में देखते हैं। सैलरीज एंड वेजेस के बारे में कहता है 60% प्रोडक्शन, जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम प्रोडक्शन कह रहे थे, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन ना, तो ये प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन की बाइफरकेशन ही गिवन है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग 60% और 40% एडमिन। इधर देखो सैलरीज का 2500 टोटल है, इसका 60% प्रोडक्शन और बाकी 40% नॉन प्रोडक्शन। वो कहां जाएगा, सेलिंग में जाएगा, एडमिन में जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 2500 में से 1500 निकल आया, हम अब कहने लगे थे ये 1500 को चलो इधर लिख देते हैं, ये 1500 को डायरेक्ट लेबर में बी में लिख देते हैं, लेकिन उसने कहा सबर, अभी भी सबर, स्टार लगा हुआ था, क्या कहता है, मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज, इधर इसकी बात कर रहा है। अब पहले उसने क्या कहा, 2500 में से 1500 मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज हैं, अब वो इस 1500 के बारे में कह रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सैलरीज इंक्लूड्स 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस टू लेबरर्स वर्किंग इन द फैक्ट्री विच वेरी विल ब्ला ब्ला ब्ला। ये देखें 1500 में से 70% डायरेक्ट लेबर है, तो फिर बाकी क्या होगा, वो उधर फेंक देते हैं एडमिन में, सेलिंग का होगा। नहीं, पहले उसने कहा इसमें इस 2500 में से 1500 मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, इसमें से 10 50 डायरेक्ट है और इसमें से 450 इनडायरेक्ट है, तो डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स कर देंगे। ठीक है, कर लें काम, चलो साथ साथ ना थियोरेटिकल डिस्कशन भी थोड़ी थोड़ी होती जा रही है ताकि बाद में हम पे बहुत बोझ ना बने। ठीक है, अगेन यहां पर आके डायरेक्ट लेबर के साथ लिखोगे 2500 का 60%, ये तो आ गया हमारे पास 1500। अब ये 1500 में से डायरेक्ट कितना है, 70%, कितना बन गया 10 50। वो वाले ट्रीज नहीं बनाते हैं ना, आपको समझाने के लिए लिखे होंगे। यहां पर आपने लिखा फिर आके बाकी क्या है, इनडायरेक्ट लेबर, तो 2500 का 40%, ये आ गया अगेन 1500। अब इसका सॉरी 60% टोटल, जी अच्छा इस गलती से बचने का तरीका भी बताता हूं अभी, जी इनटू 30% जी 450। ज्यादा बेहतर होता हम 2500 का 60% लेकर ना कैलकुलेटर पे यहां पे लिखते ही 1500 का 60%, 1500 का 70% और 1500 का 30%। ठीक है ना, ताकि ये कैलकुलेशन ज्यादा लेंथी ना होती, गलती ना सरजद होती। बहरहाल ये ट्री नहीं बनाना, इसको ऐसे नोट करना। ठीक हो गया, ओके देता हूं 2-4 मिनट एंड पे, अब इकट्ठे ही देता हूं नोट करने के लिए, आगे पढ़ते जाएं। नेक्स्ट है, अगर किसी ने कुछ नोट करना हो तो एंड पर लग जाना, हाँ ये चीजें अब टोटल आ गई हैं, बस ये इसी में से कुछ नोट करना है तो फिर एंड पे कर लेना। ठीक है, 5-7 मिनट दूंगा एंड पे। नेक्स्ट क्या है जी, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स, कहता है फिर पॉइंट टू में चले जाओ, 5000 के अदर वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में कहता है 80% मैन्युफैक्चरिंग है, 20% एडमिन, तो इस 20% को वहीं पे अब क्रॉस लगा दो, ट्री ना बनाने लग जाना दोबारा, सवाल के ऊपर ही क्रॉस कर दो 20% को, और 80% क्या है मैन्युफैक्चरिंग, और खुद कह रहा है ओवरहेड है, तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर नहीं है बल्कि ओवरहेड है, तो यहां पर हमने लिखा अदर वेरिए, तो फिक्स और वेरिएबल की बात आज पहली क्लास में शुरू नहीं हुई इसलिए सबकी माफी हो गई है। ठीक है, कल बात करेंगे फिक्स और वेरिएबल पे स्टार्ट। ठीक है, पता लगेगा कि वेरिएबल फिक्स क्या होती है। अदर वेरिएबल
ओवरहेड्स टोटल है 5,000 इंटू 80% 4,000। बाकी 1,000 का क्या करें, इग्नोर करें, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बना रहे, बना रहे होते तो सेलिंग में लिखते, ठीक है। नेक्स्ट, बस अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड वेरिएबल का फर्क पता लग जाएगा, बस फिलहाल ओवरहेड्स हैं और उनमें से जो प्रोडक्शन वाले हैं उसको यहां पे लेके आना है, फिर फिलहाल सिर्फ इसी से गुजारा चलाओ। फिक्स्ड वेरिएबल अभी मैं बात नहीं समझा सकता वो क्या है, ठीक है, कल इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स वो कह रहे हैं सारे के सारे ये प्रोडक्शन के हैं, बहुत अच्छी बात है जी। 1500, ठीक हो गया जी, ओके ठीक हो गए सारे। पॉइंट वन पॉइंट टू भी साथ ही ठीक हो गए, रह गया पॉइंट थ्री। पॉइंट थ्री में क्या गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो जरा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पोस्ट करने जरा करवा लें, उसके बाद ये नोट कर रहे हैं कुछ बच्चे, प्लीज जरा इधर देख लें। पैकिंग मटेरियल ओपनिंग कितना है 700, इधर देखें ओपनिंग 700, क्लोजिंग 285। नेक्स्ट क्या है जी, रॉ मटेरियल ओपनिंग कितना है 5,000, तो सिर्फ लिखते जा रहे हैं डेट। क्लोजिंग कितना है 7780, ठीक है जी। आगे बढ़े, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है 1950, क्लोजिंग कितना है 3,000। और ओहो फिनिश गुड्स तो रह गया था, फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 2962 और क्लोजिंग है 4162, नहीं ले सकते, एडजस्टमेंट नंबर 4 में एनआरवी टेस्ट लगाना पड़ना था, तो एक छोटी सी वर्किंग कर लेता हूं मैं। तो वर्किंग 1 आई है मेरे सामने, ये तो मैंने नोट को ही कंटिन्यू किया, ठीक है ना, तो ये नोट का हिस्सा नहीं होती वर्किंग्स, याद है पीपीई का नोट बनाते हुए छोटी छोटी सब नोट्स, वो सब नोट्स से हटके एक छोटी छोटी वर्किंग्स किया करते थे, 1 2 3 करके, नंबरिंग करके या स्टार लगा के, ठीक है। तो ये वही वर्किंग है, ओके, नोट का हिस्सा नहीं होती, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये नहीं दिखाते यूजर को, ये वर्किंग है। वर्किंग का मतलब हमारे पास ये वर्किंग है, यूजर के सामने ये नहीं जाया करती, इसलिए मैंने लाइन लगा दी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो यूजर को नजर आएंगी, ये वर्किंग नजर नहीं आएगी, ठीक है, ओके चले। अब बताएं मुझे वर्किंग में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, क्या कॉस्ट नहीं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, किसका जी, फिनिश, ठीक है चले। अब रिक्वायर्ड तो वैल्यू है, हमारे पास क्या गिवन है, यहीं से शुरू कर लेते हैं, कॉस्ट गिवन है, सवाल के अंदर कॉस्ट कितनी गिवन है 4162 में वो कह रहा है कुछ शामिल है, कितना थोड़ा और से पढ़ो, पॉइंट फोर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अंडरलाइन करके लिख लो उसके ऊपर 4162, इसकी बात कर रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मतलब 4162 इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 75, इसमें शामिल हैं गुड्स कॉस्टिंग 75, कॉस्टिंग कॉस्ट कितनी है इनकी 75, विच आर डैमेज, अच्छा ये क्या है, डैमेज है ड्यू टू सेलअप एंड कैन ओनली बी सोल्ड एट 60% ऑफ देयर, अच्छा अब एनआरवी डायरेक्ट तो निकल सकती है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि हम इसके लिए 1.1 करवा देता हूं, आपको जरा रिवीजन कर लें, क्योंकि इंट्रो का कॉन्सेप्ट है, एनआरवी का कॉन्सेप्ट इंट्रो में हमने पढ़ा था, तो कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, तो इसलिए वो बात जरा रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात, एनआरवी टेस्ट लगता है उस स्टॉक पे जो क्लोजिंग में हमारे पास पड़ा हो, ऐसी बात है जो दुराने साल बिक गया है वो तो क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं है, ठीक है, हमारे पास पड़ा है और हम कहते हैं जी ये जो है ना ये जरा डैमेज हो गया है, ये अब जितने का खरीदा था शायद उससे भी कम पैसे मिले, तो एनआरवी टेस्ट लगा लेते हैं। तो एनआरवी स्टैंड्स फॉर
नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये होता है कि साढ़े जेब से किन्ने पैसे आने ने नेट नेट में अब ये डैमेज स्टॉक हमें क्या रियलाइज करवा के देगा मार्केट से जाके, तो उसके लिए हम नॉर्मली तीन चीजें यूज किया करते थे। हम लगाते एस्टीमेट ही हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास पड़ा है, हम एस्टीमेट लगाते हैं कि जी उम्मीद है ये बिक जाएगा इतने का, कहते थे उसको एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस। चलो रिवीजन है, पूरी बात लिख ही देता हूँ, जरा एस्टीमेटेड तो पूरा लिख दूं, एस्टीमेटेड सेलिंग प्राइस। लेकिन चूंकि डैमेज होता था तो हमें लगता था कि ये बिकने के लिए थोड़ी बहुत रिपेयर भी इनकर करनी पड़ेगी, तो हम लेस कर दिया करते थे एस्टीमेटेड रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट, आरसी खोला नहीं है, रिपेयर कॉस्ट, ठीक है जी, और लेस कर देते थे बेचने के लिए, चूंकि डैमेज है सेलमैन को थोड़ा सा कमीशन भी देना पड़ता था एक्स्ट्रा, ठीक है, या कोई इश्तिहार शूर चलाने पड़ते थे, सस्ते मोबाइल फोन होते रिवर्ब्रिज, ठीक है जी, तो लेस एस्टीमेटेड सेलिंग कॉस्ट, ठीक है जी। तो ये हम जब नेट कर लेते थे तो हमारे पास क्या आ जाता था जी, हमें जेब में कितने मिलेंगे पैसे आकर, वो नेट फिगर होती थी। अब एनआरवी लिख दो, ऊपर लिख दिया एनआर, ठीक है, एनआरवी है बेटा, ठीक है, देखने वाली आंख चाहिए, ये वी ही है, ओके। अच्छा, क्या हमें सवाल में कहीं रिपेयर कॉस्ट गिवन है, क्या कोई सेलिंग कॉस्ट गिवन है? ये गिवन नहीं थे, ये सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए यहां पर लिखे गए। सवाल में उसने सिर्फ ये कहा था कि ये जो 75 का हमने खरीदा था कॉस्टिंग 75, ये अब 75 का 60% ला के देगा मार्केट, कितना 45, तो 45 माइनस निल, माइनस निल एनआरवी इज 40। तो ये जरूरत नहीं थी इस सवाल में, सिर्फ इंट्रो की रिवीजन करवाई आपको, ठीक है, सही है, ये 45 ब्रैकेट में भी निकल सकता था। तो एनआरवी कितनी आ गई इस स्टॉक की, 45, और हम तो निकालना चाह रहे हैं वैल्यू, क्या निकालना चाह रहे हैं जी, वैल्यू, और वैल्यू होती है इन दोनों में से लोअर, लोअर ऑफ वन और टू, तो वो कितना बन गया फिर 45, ठीक है जी। उसके बाद बकाया वो बैलेंसिंग फिगर कितनी है, बैलेंसिंग 4087। इसके बारे में सवाल ने कोई डाटा ही नहीं दिया, वरना इस पे भी एनआरवी टेस्ट लगा देते। वैसे नॉर्मली गुड यूनिट्स पे एनआरवी टेस्ट लगाने से भी एनआरवी कम, अगर हमने सारा ही स्टॉक फ्यूचर में, ये फ्यूचर का लॉस है ना, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रूडेंस की बात मान के, अगर हमारा सारा स्टॉक ही फ्यूचर में लॉस पे बिकना है तो फिर क्या खे कारोबार कर रहे हैं हम। तो नॉर्मली गुड यूनिट्स फ्यूचर में लॉस पे नहीं बिक रहे होते, बहरहाल डाटा देता तो लगा लेते हैं एनआरवी टेस्ट, पर उसमें टेस्ट ने फेल ही होना था, कॉस्ट ने कम ही होना था, एनआरवी ने ज्यादा ही होना था। बात नहीं समझ आई तुम्हें, तुम्हें वो कर रहे हो, मैं भी यू करके पढ़ाऊंगा, लोअर बताओ, वैल्यू बताओ, 4132। मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूँ ऐसे ही, जब कोई ऐसे ऐसी शक्लें बना रहा होता है, पता नहीं यार समझ नहीं आ रही क्या, और इसकी शक्ल को क्या हो गया। दिस इज द फिगर विच विल बी शोन इन स्टेटमेंट ऑफ इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कॉस्ट ऑफ सेल में से इसने माइनस होना है, बैलेंस शीट में, करंट एसेट में, स्टॉक में इसने नजर आना है। तो ये बचपन में आपको सिखाया जाता है कि दिस फिगर विल अपीयर, दिस फिगर विल अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो बचपन की बात रिवाइज कर ली हमने, ठीक है जी, ताकि याद माजी हमें अजाब ना लगे, ठीक है। हमारा हाफजा ना यार, ये ना कहा करो यार, हाफजा ही चला गया तो फिर तो मैं ये भी नहीं कह सकूंगा हाँ भाई याद आया, तुम उसको कहोगे नहीं हाफजा ही चला गया हमारा तो। अच्छा नहीं ना, नहीं ऐसी नहीं बात,
ओके, फोर वन थ्री टू, साल हो गया, साल हो गया, बताओ रॉ मटेरियल कंज्यूमड कितना है? नाइन, नाइन भी है, ओके, पैकिंग मटेरियल कंज्यूमड सिक्स फाइव। अभी तो देखो ये है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट में रॉ मटेरियल भी आ गया, पैकिंग मटेरियल भी आ गया, फ्रेट भी आ गया, तो इसलिए मैं यहां पे अब लिख रहा हूं, बहुत ही गंद पड़ जाएगा, समझ नहीं आ रही होगी, डायरेक्ट मटेरियल की हेडिंग है, डायरेक्ट मटेरियल में पैकिंग मटेरियल भी आ गया, रॉ मटेरियल भी आ गया, इनका डायरेक्टली एट्रीब्यूट में खर्चा भी आ गया। अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है? 694। ये है डायरेक्ट मटेरियल, ये नहीं कह सकते रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये नहीं कह सकते पैकिंग मटेरियल कंज्यूम, ये क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक हो गया, ओके। ये है डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री के खर्चे 8250, एबीसी 60994 प्लस माइनस 599 94, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इधर देखें 599 94, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई? 58। तो समझ आ गया मैनू, अल्लाह ताला, चुप करो सारे, चुप चुप, तुम अगले एक हफ्ते तक बोलने की तुम्हें पाबंदी है, क्लास में तुम पर पाबंदी है बोलने की, ठीक है, एक हफ्ता पाबंदी है बोलने की तुम्हें, बल्कि पाबंदी है बोलने की तुम पे, ठीक है, तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें तो तुम ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हो, ओके, सुने 58, या चक ले या मैनू छड़ दे, ओके, नाउ दिस फिगर विल गो हियर 5874, और बाकी चीजें तो है नहीं, और आपका सवाल फिर पूरा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है, ओके। वैसे तो आईकैप ने इससे आगे सलूशन नहीं दिया था यहाँ पर, लेकिन जो बात आईकैप ने लिखी हुई है ना, वो क्या है, डिस्क्लोज द अबव इंफॉर्मेशन इन द नोट ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एज वुड अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसका जवाब तो यही बनता था, लेकिन मेरे दिल में आ रही है क्योंकि इंट्रो में आपने इन्वेंट्री पढ़ा था और यहाँ पे है नहीं, तो थोड़ी सी डिस्कशन ऐसे ही जबानी कर लेता हूँ, दो तीन मिसाल के तौर पर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स लिख भी देता हूँ। इन्वेंट्रीज के स्टैंडर्ड ने इंट्रो के अंदर आपसे रिक्वायर की थी दो तीन डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, जैसे IS-16 ने की है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की है, गवर्नमेंट ग्रांट ने की है, हर स्टैंडर्ड की अपनी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, अगेन डिस्क्लोजर होंगे इसलिए ताकि यूजर को बात पूरी पता लगे। अब मुझे यूजर के सामने ये कोई पिक्चर नहीं है ना, ये तो यूजर के सामने वर्किंग है, ठीक है, इधर यूजर के सामने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के ये यहां से देख ले, यहां से देख ले, यहां पे देख ले, यही है ना सवाल, तो सवाल सिर्फ इतना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही हो तो वर्किंग है उधर भी, तो बोर्ड का ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मुझे बताओ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यूजर के सामने जाएंगी, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के यूजर क्या बता सकता है कि फाइफो लगा या एफ को, बता सकता है? नहीं बता सकता, तो यूजर को लिख के बताना पड़ता है, IS-2 ने ये रिक्वायर किया था। अब अगर आपने उसको 2 कह दिया होता तो मैं दुम 2.1 ये लगा देता, लेकिन आपने उसको 2.1 कह दिया है, तो अब वो अब उधर जगह नहीं है, समझे, उसके आगे कंटिन्यू हो रही है बात, मैंने दुम 2.2 ऐड की और मैंने ये लिख कर बता दिया यूजर को कि फॉर इन्वेंट्रीज फाइफो
या एवको मेथड इज यूज। स्टैंडर्ड कहता है कि जो कॉस्ट, इसको कहते हैं कॉस्ट फॉर्मूला, स्टैंडर्ड कहता है जो कॉस्ट फॉर्मूला यूज हुआ है वो यूजर को लिख के बता दो। हमारे सवाल के अंदर क्या ये इंफॉर्मेशन गिवन थी, इसीलिए मैंने फाइफो या एव को लिखा। कल वाले सवाल में यार ये रेडी है वैसे, कल वाले सवाल में अगर मैं ये नोट बना रहा होता तो मैं वहां पे लिख सकता था एव को यूज किया हमने, यूजर को लिख के बता दो। ठीक है, एक और बात भाई, एक मिनट ये बात सुनते जाना जाते जाते। हाँ मैं सिर्फ एक बात सुन, दरवाजा खोलो ना जरा, हवा आने लग जाएगी, लेकिन बात सुन के फिर बाहर निकल जाना। दरवाजा खोलो ना, साथ ही आवे तेनू, रुक गया जरा। ओके अब यार देखो, क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के यूजर ये बता सकता है कि कोई एनआरवी लॉस रिकॉर्ड हुआ है? ये तो वर्किंग है। ठीक है अब जाओ, यूजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर, नहीं ये वर्किंग हमारे पास होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम नहीं भेजते, तो एनआरवी लॉस है, यूजर को कैसे पता लगे? तो स्टैंडर्ड ने कहा उन्हें लिख के दसो। ठीक है, क्या लिख के दसो? अल्लाह करे ये मार होगा जी। आप बड़े आसान अल्फाज के अंदर ये बात लिख देंगे, बस मुझे जरा ये बता दें एनआरवी लॉस है कितना? 30। ठीक है, एनआरवी लॉस 30 है, लेकिन आपने ये एनआरवी लॉस लिख के नहीं दिखा, लिख के नहीं दिखाना। स्टैंडर्ड ने क्या रिक्वायर किया, कैसे लिख के बताओ, मुझे बताओ। गड़बड़ तो यही है ना, यहां तो गड़बड़ नहीं हुई, यही थे ना डैमेज्ड, डैमेज्ड जिसकी वजह से एनआरवी वाली सारी कहानी चली है वो यही है ना। अब इस डैमेज स्टॉक के बारे में बताओ, इसकी कैरिंग वैल्यू क्या है? डोंट से 45 पे तो हम ले, कैरिंग वैल्यू थी उसकी 75, हमने राइट डाउन करके उसको लेकर हम गए, हम लेकर गए हैं उसको, ये हमने 4162 दिया हुआ था, लिख लेते मेरी यहां पे। ठीक है, कैरिंग वैल्यू क्या थी? 75, हम उसको उठा के किसने ले गए? 45 पे। अब ये अंग्रेजी में लिख के बताना है, बड़ी आसान बात है, जरा देखना। इन्वेंट्रीज अपियरिंग एट देयर कैरिंग वैल्यू ऑफ रुपीज 75 आर रिटन डाउन टू देयर एनआरवी ऑफ रुपीज 45। दैट्स इट, यूजर को पता लग जाएगा 75 वाली चीज कहां पे चली गई है, 45 पे, तो 30 का एनआरवी लॉस है, लिख के बताओ। अब ये हमारे सवाल के ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट एक और रिक्वायरमेंट है उसकी, वो क्या है? वेयर एप्लीकेबल, जबानी जबानी बात चल रही है, मैं आपको नहीं दिखा सकता, वो तो इंट्रो किताब के अंदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन आपके सामने लिख तो रहा हूं, समझ आ गई। पहली क्या थी? 5 एफ को है बता दो, दूसरी क्या है? बता दो, तीसरी क्या है? अगर आपके पास एक से ज्यादा तरह का स्टॉक है तो उसका ब्रेकअप बता दो, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पे तो सिर्फ स्टॉक नजर आएगा। अब ब्रेकअप क्या होगा? हमारे पास रॉ मटेरियल भी है, वर्क इन प्रोसेस भी है, और फिनिश्ड गुड्स भी है। ठीक है, अब रॉ मटेरियल का क्लोजिंग ये नजर आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग ये नजर आ रहा है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग ये नजर आ रहा है, बैलेंस शीट में एक लफ्ज नजर आएगा स्टॉक का। तो स्टैंडर्ड ने कहा इसका ब्रेकअप वेयर एप्लीकेबल शो कर देना कि स्टॉक में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स इतने इतने पड़े हैं। जरूरत नहीं है यहां पे लिखने की, मैं बैलेंस शीट बना नहीं रहा। ऐसे ही मिसाल के तो दो तीन चीजें बताई हैं। एक और चीज, बस एक आखिरी, चार या पांच थे, चार तो मैंने बोली दी आपको, एक आधा रह गया तो वो रहने दो, वो शायद रिवर्सल ऑफ पता नहीं क्या, छोड़ो उसको। ठीक है, छोड़ो उसको, ये चार बस याद रख लो, काम कहीं आ जाए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है। ये चार बातें, पहली फाइफो एफ को क्या है पॉलिसी, पॉलिसी क्या है फाइफो एफ को बता दो, सवाल में नहीं बताया होगा या फिर सवाल में ना लिखो, हम यही आइए 16 नोट में सीख के आए, जो इंफॉर्मेशन गिवन हो सिर्फ वही लिखते हैं। ठीक है,
तो पहली बात रेगा कॉस फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो? चलो पानी कॉस फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो? हमने कहा जी 5 हो 5 हो। दूसरा उसने कहा अगर एप्लीकेबल हो तो टाइप ऑफ इन्वेंट्री कौन कौन सी है? वर्किंग प्रोसेस फिनिश हुई, ठीक है। उसने कहा कोई एनआरवी लॉस तो ड्यूरिंग द ईयर नहीं हुआ? हमने कहा हाँ जी हुआ है, 1.75 वाली चीज को हमने 45 में किया। लास्ट एक काफी है वो, आइए ये नोट था। आप बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक ने कहा सिक्योरिटी क्या है? हमने कहा जी हमारा प्लांट गिरवी रख ले। हमने कहा ठीक है लोन वापस नहीं, तुम प्लांट दे दो। बैंक के पास लोन लेने गए, बैंक ने कहा सिक्योरिटी नहीं था, हमने कहा इसकी बिल्डिंग ठीक है, अगर आपने लोन वापस ना किया तो हम दे दें। आइए 16 ने कहा कि हमने पढ़ा था वहाँ पढ़ा था हमने, आइए 16 ने कहा था अगर आपने कोई लोन के अगेंस्ट अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को पलैज करवाया है एज अ सिक्योरिटी तो डिस्क्लोज कर। अब क्यों नहीं आज तक वो डिस्क्लोजर हमने देखा प्रैक्टिकली? किसी सवाल में इंफॉर्मेशन आई नहीं, जैसे ही आ गई आप वो डिस्क्लोजर पढ़ के पढ़ाए हैं सारे डिस्क्लोजर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन स्टॉक को भी प्लैज करवा के लोन ले लेते हैं। बैंक के पास ये लोन निकाली क्या करना है, जरूरत है। अच्छा सिक्योरिटी क्या है? कि हमारे पास तो स्टॉक पड़ा है, हम टेक्सटाइल मिल हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इमरान खान वाली कॉटन भी है, काफ़ी हमारे पास स्टॉक पड़ा है रॉ मटेरियल का, तो आप वो प्लेज कर बैंक उठा के सारी कॉटन देने लगी पड़ी हुई सारी, क्या है जी वो लोन दिया जी उन्होंने? नहीं ऐसा नहीं होता, वहीं पर ही बल्कि वो उठाते नहीं वहां से, बड़ा एक बंदा सारा स्टॉक दे दीजिए हमें थोड़ा सा हौसला रहो कि अगर डिफॉल्ट कर गए तो हमारे हाथ ही कुछ आएगा। अब ये स्टॉक प्लग है, मैंने ऑफर किया सुपीरियर एंटरप्राइजेज कौन सा नाम मुझे अब गिफ्ट हो रहा, उसके अंदर वो ए बी सी डी चार प्रोडक्ट्स थी जहां तक मुझे याद पड़ता है, तो उसमें एक प्रोडक्ट के बारे में उन्होंने कहा था इतने यूनिट्स आर प्लेज्ड विद बैंक कैश सिक्योरिटी, वहां पे आपको बताया तो कुछ नहीं करना है। कुछ नहीं करना मतलब क्या है कि उस काउंटिंग में कोई एंट्री नहीं है, लेकिन आईएससी क्लोजर भी रिक्वायर्ड है अगर आपको स्टॉक कराया हुआ एनी लोन मुझे बता दो। ट्रेन निकल गई, चले अब ये भी एप्लीकेबल नहीं है लेकिन ऐसे ही मैं सैंपल के तौर पे लिख देता हूं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर सवाल में लिख देता तो हम इस तरह से लिखते, देखें कि इन्वेंट्रीज हैविंग अमाउंटिंग टू, वो आसान सी बात, वो जो अंग्रेजी में लफ्ज लिखा होगा ना जुमला पर्चे में वही उठा के लिखना है कि इतने यूनिट्स ऑफ फलां आइटम हैव बीन प्लेज्ड, वही बात लिख देंगे, ठीक है। तो मैं वैसे लिख रहा हूं इन्वेंट्रीज अमाउंटिंग टू रुपीज इतने इज प्लेज्ड विद फलां बैंक एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट अ लोन ऑब्टेन, ठीक है जी। वो अब ये आपने अपनी तरह से नहीं लिख के आना, सवाल में जो लाइन लिखी होगी एडिट उठा के लिख देंगे, और ये कब करेंगे अगर वो कहे डिस्क्लोजर इन्वेंट्रीज का, आप कहोगे एक मिनट दो कॉस्ट ऑफ सेल्स नीचे दो चार बातें लिखी हो इनको ऐसे ही लिख देना, ठीक है, कर लोगे ये बात। अब जो नोट करना है वो करें, और 10 मिनट सवाल करके नहीं आए थे। आप नोट करिएगा आपके सामने होंगे भी लिखा है, हम लोग के क्वेश्चन बैंक 7 और 8 मैन्युफैक्चरिंग बैंक के बाद में
आज का टेस्ट लाजमी दीजिएगा। नेशनल अथॉरिटी का बहुत अच्छा सवाल है, उसमें कुछ तो अभी चाहती है, ठीक है, तो आइए ठीक है। तो सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो सवाल मुझे आई कैप की तो बहुत लेंथी सवाल दोबारा ना मिले तो बड़े टेस्ट में जाकर शायद मैं उसको जो है वो टेस्ट कर सकूं। तो एक बार तो रुक कर भी लिया, हालांकि ऐसा कर नहीं सकता लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, खातिर खा इज्जत दूंगा आप लोगों को, ठीक है, हो सकता है क्लास भी ना लेने दूं। और ये आदत आज से ही बना लें, अगले जितने 3-4 टेस्ट रह गए हैं एक ही नहीं रहना चाहिए, सारा गुजर अभी से शुरू करो, आज से शुरू कर दो और निकलते अब तो यकम आ गई, ठीक है। तो जनवरी का महीना और फरवरी को 29 दिन मिलाकर 2 महीने बन जाते हैं, ठीक है। स्टार्ट में पेपर कुछ स्टार्ट नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो कब किया ये डेट शीट वैसे? 2 महीने। तो 2 महीने के लिए आप 2 महीने मत आप 1 महीने पर छोड़ना आपने कह रहा। ये 10 दिन में 70% तक मैं कह सकता हूँ, 70% कोर्स आपको कवर करा चुका हूँ, ये अध्यापन क्या है मेरे 75% तक हो गया, ठीक है। तो ये 10 दिन में और जो डॉक्टर पढ़ा रहा है उसको एग्जाम लेवल पर लाता रहूंगा, मैं क्लियर लेवल पर रहे हो जाए अगर आप पास होना चाहते हैं इसी दफा में, ठीक है। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे टेस्ट के डिस्कशन के साथ और फिक्स्ड वेरिएबल की बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।